नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान की पोटली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करवाएंगे आपको इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के प्रश्न भाग नंबर 6। बच्चों, आई साइड थोड़ा कमज़ोर है, यदि उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो ये जीके जो है ये ग्राम सचिव, MPHW, स्टाफ नर्स और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए महत्वपूर्ण है। 100% तक कर चुके हैं, 101 से शुरू करते हैं। पीछे का वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको जीके अवेलेबल करवाएंगे। तो प्रश्न नंबर 101 कहता है, बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है रोहतक होना चाहिए। देखते हैं, यस, रोहतक उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखिए, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातालेश्वर मंदिर स्थित है? कौन सा? पातालेश्वर। तो सही उत्तर है बुढ़िया, जगह का नाम है बुढ़िया। बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस जिले में रामसराय व भूतेश्वर प्रसिद्ध मेले लगते हैं? तो सही उत्तर है जींद जिले में। अगला प्रश्न देखिए, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है? तो कपालमोचन मेला। कौन सा? कपालमोचन मेला। अगला प्रश्न देखिए, भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़ेवाला का मेला लगता है? कहाँ पे? भिवानी में बाबा खेड़ेवाला। तो सही उत्तर है नौरंगाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला गुड़गामा में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सही उत्तर है सहाचोखा खोरी मेला। अगला प्रश्न, हरियाणा प्रदेश में मंगलमय पीलिया लोकगीत कब गाया जाता है? तो पीलिया लोकगीत बच्चे के जन्म पे गाया जाता है, पुत्र जन्म के अवसर पर, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 108, हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? श्रावण महीने में, पूर्व त्यौहार के अवसर पर, पुत्र जन्म पर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उत्तर है। अगला प्रश्न, हरियाणा प्रदेश में बागर क्षेत्र में होली के मौसम में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर होना चाहिए लूर नृत्य। देख लेते हैं, तो सही उत्तर है लूर नृत्य। प्रश्न नंबर 110, हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा होता है? तो सही उत्तर है फाग नृत्य। कौन सा? फाग नृत्य। प्रश्न नंबर 111, प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो उत्तर होना चाहिए डमरू नृत्य। देख लेते हैं, तो सही उत्तर है डमरू नृत्य। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य, ये तो शादी में होता है भाई, यस, शादी के अवसर पर किया जाता है, यस, विवाह के समय, विवाह के अवसर पर घोड़ा नृत्य, घोड़ी को नचाते हैं ना, ओके। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा में थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो मराठा सदाशिव राव द्वारा। क्या उत्तर है? मराठा सदाशिव राव द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा में किस नगर में है? 11 रुद्री शिव मंदिर कहाँ पे है?
तो सही उत्तर है कैथल। अगला प्रश्न पढ़िए। रोहतक जिले में बेरी गांव के रूडमल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब किया गया, तो 1892 में। अगला प्रश्न देखिए। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा में, ये तो माता सीता देवी का तो गुड़गांव में है भाई। ओके यस, गुड़गांव इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न। हरियाणा प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो खंडवा कहते हैं, मेरे ख्याल से खंडवा पहनते हैं आदमी। सही उत्तर है यस खंडवा। अगला प्रश्न देखेंगे। हरियाणा में राजपूती ढंग से पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं, तो सही उत्तर है पाग। मैं दो बार चेक कर चुके हूँ कंप्यूटर पे, सही उत्तर है पाग। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, तो फूल, फूल होना चाहिए, फूल हाथ में पहना जाता है, तो सही उत्तर है फूल। बटन, हसला, गलसरी, ये पुराने जमाने के वो आभूषण है जो हमारी दादी पहना करती थी, तो फूल गले में नहीं हाथ में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। प्रदेश में प्रचलित निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता, तो सही उत्तर है बांकड़ी। याद रखना पड़ेगा ये पुराने जमाने के हैं, हमारी दादी पहना करती थी इनको आभूषणों को, वो नाम दिए गए वही याद रखने हैं। तो बच्चों आपसे फिर विनती है, यदि चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करना। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, गुड लक।